फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज वाइट टॉफ़ी से आइसक्रीम। ऑरेंज वाइट है ये, तो आज इसकी टॉफ़ी की आइसक्रीम बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, खट्टी मीठी बहुत ही यमी लगती हैं। बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं टॉफ़ी आइसक्रीम। तो आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज वाइट टॉफ़ी ली है कैंडी, इनको सारी कैंडियों को इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी टॉफ़ियाँ कैंडियाँ देखिए पैकेट में से हटा दी हैं। तो देखिए अब मैं इसमें क्या करूँगी, तो एक कैंडी को पॉलिथीन में भरूँगी इनको इस तरीके से। मैंने ये 20 रुपए की कैंडी मंगाई थी, 20 रुपए की 10 रुपए की कैंडी से आप बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड और बहुत ही जल्दी से बन जाती है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आइए फ्रेंड हम बनाते हैं। तो इसमें मैं पॉलीथीन में भरकर इनको इस तरीके से कूट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम सारी कैंडी फोड़ लेंगे। ये देखिए मेरी कैंडी का देखिए पाउडर बन गया है कितना अच्छा। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए सारी कैंडी फूट गई है। क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं इस तरीके का बर्तन। उसमें आप 1.5-2 गिलास पानी डालेंगे और उसमें आप चीनी डालेंगे। तो मैंने इधर आधी कटोरी चीनी ली है क्योंकि चीनी आइसक्रीम में बहुत ही अच्छी लगती है, तो हमें ज़्यादा ही चीनी लेना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिलाते आएंगे हमारी चीनी इसमें घुल जाए। और हम गैस पे बिल्कुल लो गैस पे रखेंगे हम धीमी करके। ये देखिए अब इस तरीके से हमें सारी चीनी को मिलाना है इसमें। और ये चीनी हमारी जब तक घुलेगी इसके बाद हमें सारी कैंडी डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने कैंडी पीसी है ना वो सारी कैंडियाँ डाल देंगे। इसको भी हमें अच्छे से मिलाना है कि हमारी कैंडी सारी इसमें घुल जाए। इस तरीके से पानी हो जाएगा तो आप घबराइए मत, ये कैंडी थोड़ी चिपकने लगेंगी। तो उसको मिलाते रहेंगे तो वो सारी कैंडी उसमें घुल जाएंगी। ये देखिए घुल रही है हमारी कैंडी। अब इसी स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल देंगे। तो इसमें ऑरेंज कलर ज़रूर डालिए आप, इसमें कलर अच्छा आएगा आइसक्रीम का। ये देखिए इसका कलर आ रहा है, इसको मिलाते जाना है अच्छे से। हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा घोल तैयार है आइसक्रीम का। ये देखिए कितना अच्छा ऑरेंज कलर बना है, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो बाज़ार में ऑरेंज आइसक्रीम मिलती है ना, बच्चों को पसंद आती है चूसी वाली, ये वो ही आइसक्रीम है बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में। ये देखिए फ्रेंड ठंडा हो गया हमारा आइसक्रीम का घोल। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के गिलास लेंगे। आपके पास आइसक्रीम का साँचा हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मेरे पास गिलास थे छोटे तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो अब इसमें इन गिलासों में इनको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरीके से ये घोल इस तरीके से डालना है। ज़्यादा फुल नहीं भरना, हाफ हाफ करना है थोड़ा सा कम इस तरीके से। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है और बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से सिल्वर कॉइन होती है सिल्वर, वो ले लो आप कोई भी उसको, या बटर पेपर है उसको लेके आप इस तरीके से इस पर कवर कर दो ग्लास को। और मैं इसमें रबर बैंड लगा रही हूँ। अगर आप सिल्वर कॉइन लेंगे तो उसमें आपको रबर बैंड नहीं लगाना। तो मेरे पास यही घर में थी तो मैंने यही लिए। देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से आप रख दीजिए। ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, चाकू लेंगे हम। सारी गिलास हमें इसी तरीके से कवर करना है। तो
तो एक चाकू लेंगे, उसमें थोड़ा सा हॉल करेंगे हम, थोड़ा सा धीरे से, ये देखिए इस तरीके। और इसमें हम इस तरीके से चम्मच लेंगे, ये आती हैं आइसक्रीम ट्यूस चम्मच आइसक्रीम की, तो आप इस तरीके से इनको डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम अब इनको फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से तैयार कर ली है सारी आइसक्रीम। ये देखिए रबड़ बैंड लगाकर और पेपर लगाकर अब इसको हम जमने रख दे रहे हैं 10 से 20 घंटे के लिए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी आइसक्रीम जम गई है, तो हमने इस तरीके से इसको जमाई है। अब हम इसमें ये निकालेंगे जो हमने रबड़ बैंड से लगाया था, पेपर लगाया था। ये देखिए फ्रेंड, नीचे आइसक्रीम जमी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, कप में पानी लेंगे और इसको इसमें डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उठाएंगे। ये देखिए ऑरेंज वाइट हमारी आइसक्रीम जम गई। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ऑरेंज वाइट आइसक्रीम जम गई है। ये देखिए जूसी आइसक्रीम, कितना अच्छा कलर आया है और कितनी यमी बनी है। ये देखने में ऐसी लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी।